आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट वन के लिए किस तरह से बनाई जाती है और उसके बेसिस पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक दफा फिर से जाने तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक ऐसी समरी होती है जिसमें कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग की है जो प्रोडक्शन की है उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शो की जाती है किसी भी एक आइटम की मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो समरी बनाई जाती है जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे कहा जाता है कि ये रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है अब इस रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट का एक इनडेप्थ व्यू लिया जा सके अब यहाँ पे अगर बात की जाए एक कंपनी की तो एक्स वाई जी कंपनी है हमारे पास लेट सपोज कि वो लैपटॉप्स बनाती है अब वो लैपटॉप्स प्रोड्यूस करेगी तो लैपटॉप बनाने के लिए उसको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अमूमन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसके तीन हिस्से होते हैं मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स हम यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्हीं तीनों कॉस्ट को लेकर अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे तो अब मज़ीद चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जा सकती है तो प्रॉब्लम दी गई है राइट लिमिटेड कंपनी की और उसके लिए रिक्वायर किया गया है कि प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं यहां से राइट लिमिटेड कंपनी का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019 जनवरी 2019 के महीने के दौरान डायरेक्ट मटेरियल 300,000 वर इशूड टू प्रोड्यूस 26,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहां पे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी तीन लाख रुपये जिसको इशू किया था ताकि 26,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाए जा सकें साथ ही साथ डायरेक्ट लेबर टू प्रोसेस दीज मटेरियल टोटल रुपीज वन लैख टेन थाउजेंड डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट इशू की गई थी इस मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करने के लिए क्योंकि लेबर ही मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाती है तो जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो है एक लाख दस हजार रुपए साथ ही साथ फैक्ट्री ओवर की कॉस्ट है पचपन हजार रुपए ड्यूरिंग द मंथ प्रोसेसिंग ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट वर्क कंप्लीटेड इस महीने के दौरान बीस हजार यूनिट्स कंप्लीट किए गए थे जबकि जो यूनिट्स स्टार्ट में थे वो थे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इतने यूनिट्स बनाने थे एंड डीज यूनिट्स वर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और यही बीस हजार यूनिट्स अगले अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए वेयर वन थाउजेंड यूनिट्स वर लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यहाँ पर एक हज़ार यूनिट्स लॉस कर दिए गए प्रोसेसिंग के दौरान अब जो प्रोसेसिंग के दौरान चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है नॉर्मल और यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉस इज़ रिगार्ड लेकिन मतलब के 100% परसेंट जो मटेरियल है वो एंड मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बट दीज यूनिट्स वर ओनली 40% परसेंट कन्वर्टेड लेकिन ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ 40% परसेंट कन्वर्टिड हैं मतलब जो एंड में यूनिट्स बच जाएंगी वो 100% परसेंट से कन्वर्टेड होंगी लेकिन 40% परसेंट सिर्फ कन्वर्टेड होंगी मतलब फोर्टी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के एतबार से कम्प्लीटेड होंगी अब इन्हीं तमाम डेटा की बेसिस पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम राइट लिमिटेड कंपनी फिर क्योंकि हम डिपार्टमेंट वन के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट वन मेंशन कर दिया रिपोर्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और जिस टाइम पीरियड के लिए बन रही है वो है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू यहाँ पर इस रिपोर्ट में सबसे पहले क्वांटिटी स्केज बनाया जाता है जिसमें इनर साइड कॉलम कॉलम में भी यूनिट्स और आउटर साइड कॉलम में भी यूनिट्स को मेंशन किया जाता है अब क्वांटिटी स्केड्यूल को जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 26,000 यूनिट्स को स्टार्ट किया गया था क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल को इतने यूनिट्स के लिए इशू किया गया था तो यहाँ पे हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं कि टोटल यूनिट स्टार्ट की गई थी वो थी छब्बीस हज़ार यूनिट्स अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कितनी यूनिट्स को आगे फर्दर ट्रांसफ़र किया गया है तो हम क्वेश्चन के मुताबिक देख सकते हैं कि बीस 20000 यूनिट्स कंप्लीट हैं और उन्हें ही आगे ट्रांसफ़र किया गया है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20000 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसके बाद यूनिट्स अभी जितनी प्रोसेस में हैं वो कितनी हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके अलावा यहाँ पर यह कहा जाता है कि एक नॉर्मल लॉस था और नॉर्मल लॉस के लिए पहले हम लिख लेते हैं कि जो नॉर्मल लॉस था वो कंपनी का था वन थाउजेंड तो अगर वन थाउजेंड नॉर्मल लॉस था तो यूनिट्स इन प्रोसेस कितनी रह जाएंगी 5000 यूनिट्स जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास रह जाएंगी अब इन यूनिट्स से रिलेटेड ये कहा जाता है कि मटेरियल जो है वो 100 परसेंट कम्पलीटेड है ये यूनिट्स मटेरियल के अतबार से और 40 परसेंट कन्वर्टेड है मतलब 40 परसेंट लेबर और फैक्ट्री ओवरइड की मद्देनज़र में ये कंप्लीटेड है तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्वेंटी प्लस फाइव थाउजेंड और ये प्लस वन थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स यूनिट्स है, वो हमारे पास यहाँ पर टोटल में आ रही हैं। तो अगर तो यहाँ पर दोनों हमने बनाया है जो स्टार्ट की थी, वो भी थी, और अभी जब हमने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं उनके काम के मुताबिक तो वो भी ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट है अब मजीद क्वांटिटी स्केज के बाद हम ये देखते हैं कि कितनी कॉस्ट चार्ज की जा रही है डिपार्टमेंट को और यहाँ पे हम टोटल में कॉस्ट मेंशन करेंगे और यहाँ पर पर यूनिट में कॉस्ट मेंशन करेंगे जैसे कि इस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी, की तो कि में, में कितनी ऐड की गई है तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं कि कॉस्ट जो है वो किचा एडिड बाय डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वन में कितनी कॉस्ट ऐड की गई है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी गई है तीन लाख रुपये की Bour लेबर की कॉस्ट दी गई है एक लाख दस हज़ार रुपये की और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट दी गई है पचपन हजार रुपये की तो इन कॉस्ट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो डायरेक्ट मेटीरियल आ गया तीन लाख रुपए का डायरेक्ट लेबर आ गई एक लाख दस हजार रुपए की और फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरहेडे पचपन हजार रुपए के जब हमने इनको टोटल किया तो टोटल जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी फोर रुपीज की अब यहाँ तक तो, तो हमने देखा कि टोटल कॉस्ट क्या थी अब हमने क्या करना है कि हम पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की अलग अलग क्या है उसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे तो कॉस्ट चार टू डिपार्टमेंट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एकवलेंट प्रोडक्शन निकाल लेंगे मटेरियल लेबर और एफओएच की ताकि हमें यह पता चल सके कि मटेरियल लेबर और एफओएच की कितनी यूनिट्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इस को लिख लेते हैं कि बीस हज़ार यूनिट्स थी जिनमें जो पाँच हज़ार यूनिट्स थी जो कि अभी स्टिल इन प्रोसेस थी मटेरियल के एतबार से वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीटेड है तो मटेरियल की टोटल यूनिट्स हो जाएंगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये ट्वेंटी थाउजेंड वो जो कम्प्लीटेड हैं ये मटीरियल लेबर एफर्ट्स तीनों के एतबार से कम्प्लीटेड हैं तो इनको हम एज़ इट इज़ लिखेंगे लेकिन यहाँ क्वान्टिटी स्केजल में हम देख सकते हैं कि जो पाँच हज़ार यूनि ट्रांसफ़र की गई हैं वो हंड्रेड परसेंट मटीरियल के एतबार से कम्पलीटेड हैं तो एक प्रोडक्शन बनाते हुए हम इन 5000 थाउजेंड यूनिट्स को 100 परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की यूनिट्स आ जाएंगी 25000 यूनिट्स अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस को हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मली अकर हो जाता है इसलिए उसका ये तरीका है कि उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग से थाउजेंड यूनिट्स करके नहीं मेंशन करते हाँ अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो हम इसके भी यहाँ से इसी तरह इक्वलेंट यूनिट्स बना लेते लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है ये नॉर्मल लॉस है इसलिए हम इसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे और एकवलेंट प्रोडक्शन में ये इग्नोर होता है क्योंकि एक्वलेंट प्रोडक्शन उन यूनिट्स के लिए बनाई जाती है जो यूनिट्स मटेरियल एफ या लेबर के एतबार से कुछ ना कुछ कम्प्लीटेड होते हैं और जो हमें आउटपुट के रिजल्ट देते हैं अब मज़ीद फैक्ट्री ओवर और लेबर की यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए और अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं